गोकुल में जो करे निवास, गोपियों संग रचाए रास। यशोदा हैं जिनकी मैया, ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। अनुपमा, आज जन्माष्टमी के इस पर्व पे हम तो कृष्ण भगवान से यही कामना करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हो सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ। वैसे क्या कुछ है, हो रहा है आज अनुपमा की ज़िंदगी में, क्या है यहाँ पर नया ड्रामा, चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधा अनुपमा के सेट पर। मेरी विश पूरी कीजिए, अभी के अभी उठ के बैठ जाइए, अभी 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 उठिए, उठिए अनुज, सुनाई दे रहा है ना आपको? मैं क्या कह रही हूँ आपसे, मैं जी स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुज को आ गया है होश, और होश में आते ही अनुज ने घर जाने की डिमांड की है, जिसे सुनकर अनुपमा खुशी से फूली नहीं समाई और वो डॉक्टर से गुजारिश करने लगी अनुज को घर ले जाने की। आप मेरी विश पूरी कीजिए, आप मेरी विश पूरी कीजिए अनुज, अनुज उठिए, उठिए अनुज, अनुज उठिए, ने मेरी विश पूरी कीजिए, डॉक्टर अनुज उठिए, डॉक्टर हाँ अनुज उठिए, उठिए उठिए उठिए, घर छोटी मुझे घर जाना है। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, मम्मी क्या हुआ? ऐसे में डॉक्टर ने अनुपमा को चेतावनी भी दी, साथ ही कहा कि सर पे चोट लगने के कारण आगे चलकर हो सकता है कि अनुज अपने संतुलन में ना रहे और उस सिचुएशन को संभालना बड़ा ही मुश्किल होता है। उठिए डॉक्टर, डॉक्टर देखिए ना जरा, देखिए ना ये अभी होश में आए थे, कुछ बोल रहे थे और फिर अचानक से बेहोश हो गए, पता नहीं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये ठीक तो है ना? प्लीज कम डाउन, ऐसे पेशेंट का कुछ पलों के लिए होश में आना फिर बेहोश हो जाना ये नॉर्मल है, ब्रेन सर्जरी के बाद में अक्सर ऐसा होता है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन इनका ऐसे होश में आना इट्स अ वेरी गुड साइन। वो बार बार यही कहते हैं कि घर जाना है घर जाना है, तो क्या ये घर ले जा सकते हैं, कब ले जा सकते हैं या नहीं? अगर आप इन्हें घर ले जाना चाहती हैं तो घर पर आपको आईसीयू सेटअप लगाना होगा, 24/7 इन्हें मॉनिटर करने के लिए नर्स रखनी होगी, क्या आप ये सब कर सकती? सोच समझ कर जॉब दीजिएगा, अक्सर भावनाओं में बहकर पेशेंट के रिश्तेदार जिम्मेदारी तो ले लेते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते, मैं उन्हें भी दोष नहीं दूंगा क्योंकि वाकई में ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, पेशेंट की देखरेख करते करते उनके गुस्से उनके मूड स्विंग के साथ डील करते करते वो थक जाते हैं, टूट जाते हैं, पर आप किसी भी क्यों में टूटना नहीं, हारना नहीं, बिल्कुल भी नहीं हारना, क्योंकि घर में इनकी लाइफ सिर्फ आप पर डिपेंड हो रही होगी, इसलिए आप जो भी फैसला लीजिएगा अच्छी तरह से सोच समझ कर लीजिएगा। देख अनुपमा, डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे थे, तुझसे हुई एक छोटी सी भूल भी, एक छोटी सी लापरवाही भी अनुज की जान के लिए खतरा बन सकती है। ये सच है कि तू अनुज से बहुत प्यार करती है, बहुत 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 प्यार करती है, लेकिन है तो तू भी इंसान और गलतियां इंसान से होती है, हो सकता है तुझसे भी गलती हो, तो बहुत सोच समझ के फैसला ले, बहुत सोच समझ के कि क्या तू ये कर पाएगी, क्या तुझसे ये हो पाएगा, क्या तू ये जिम्मेदारी उठा पाएगी। लेकिन अनुपमा ने इन सब चुनौतियों को पार करने की ठान ली है और अब वो अनुज को लेकर आ गई है अपने घर पर, और घर पर रखकर वो उसकी सेवा खुशामद करेंगी। वैसे अनुज के आने से बरका के चेहरे की स्माइल उड़ चुकी है, क्योंकि वो तो अनुज के बिजनेस को हथियाना चाहती है, और ऐसे में अनुज के घर आने से ये करना मुश्किल हो पाएगा क्योंकि अनुपमा की सेवा अनुज को जल्द से जल्द ठीक कर देगी। यहाँ एक तरफ अनुज का स्वागत उनकी बिटिया रानी यानी कि छोटी अनु आरती उतार कर कर रही है। अनुज हम अपने घर आ गए। वेलकम होम पापा। वेलकम। आपको अपने घर आना था ना, देखिए आ गए। मैंने आपको बहुत मिस किया पापा, इतना सब। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।